हाय फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लाए हैं गाजर मटर की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं हमें क्या किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसके लिए हमें गाजर लेनी है, और ये हमारी मटर है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बाकी के हमारे सूखे मसाले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दी है। हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हो चुका है। हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें अच्छे से एकदम ब्राउन करना है। फिर इसके बाद हम अपने टमाटर डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर भी हमें अच्छे से इसको भूनना है। हमें फ्रेंड 1 मिनट अच्छे से इसे भूनना है कि ताकि हमारे अच्छे से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम अपनी इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर क्या कहते हैं फ्राई हो चुके हैं और ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, और हरी मिर्च भी डाल के हमें अच्छे से इसे भूनना है। इसे अच्छे से 1 मिनट तक इसे भी भूनना है हमें। तो अब हम अपनी इसमें गाजर डालेंगे जो हमने काट के रखी थी। इसे भी अच्छे से भूनेंगे, और इसमें हम अपनी मटर भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से हम भूनेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी देखने में कितनी मस्त लग रही है ना, कलरफुल एकदम। अब हम इसे 2-3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। फिर इसमें अपने सारे सूखे मसाले हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपको जितनी लाल मिर्च पसंद है या आप जितना खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और अब हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और अब हम इसे अच्छे से ऐसे भूनेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले, और इसे भी हमें अच्छे से एकदम भूनना है ताकि हमारी सब्जी जो है अच्छे से मसाले में भून जाए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है या नहीं। तो अभी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ग्रेवी है और हमें इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इस सब्ज़ी को एकदम सूखा बनाना है, मतलब एकदम मसाले में एकदम मिक्स रहे उस तरह हमें बनाना है। तो इसके अभी हमें 1 से 2 मिनट और लगेंगे हमें इसे पकाने में। तो फिर देखते हैं 1 से 2 मिनट बाद। देखते हैं फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है या नहीं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तेल देखिए किस तरह ऊपर आने लगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हम इसे आपको परोस के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी सब्ज़ी को परोस चुके हैं। तो देखिए कितनी मस्त लग रही है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।